देखिए, जानबूझ के तो कोई गलतियां करना नहीं चाहता, इनफैक्ट गलतियां किसी को भी पसंद नहीं होगी। कोई सवेरे उठ करके ऐसा तो सोचता नहीं है कि मुझे आज गलती करनी है। हाँ, बट जब आप कुछ अनयूजुअल करने निकलेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ जोखिम उठाएंगे, कुछ रिस्क उठाएंगे, तो साहब गलतियां तो होगी। और गलतियां होना अपने आप में ये प्रमाण है कि आपने नया कुछ डेफिनेटली ट्राई किया होगा, कुछ अनयूजुअल ट्राई किया होगा। हाँ, आप अगर घर से निकलेंगे ही नहीं, आप नया कुछ ट्राई नहीं करेंगे, आप घर में ही पड़े हुए हैं, आप कोई रिस्क उठाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर वहां गलतियां होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सो गलतियों से मत घबराइए, गलतियां होना अच्छा है, गलतियों को सेलिब्रेट कीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि गलतियां ही वो गेटवे है जहां से नए इन्वेंशंस हुए हैं। गलतियां आपको सिखाती है, गलतियां ही टीचर्स हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, इसके लिए फिर वो गाना गुनगुनाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनकी परवाह मत करिए। उन्हें आप अपनी ऑडियंस समझिए। आप प्लेयर हैं, आप प्लेयर की तरह खेलते रहिए। वो ऑडियंस है, ऑडियंस का काम है बाहर बैठकर शोर मचाना, उन्हें शोर मचाने दीजिए। उनकी परवाह अगर आप करेंगे तो फिर आप खेल नहीं पाएंगे। लोगों की परवाह और गलतियों की परवाह अगर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की होती तो दुनिया में कभी भी टेलीफोन नहीं आता। गलतियों की परवाह और लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने की होती तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कभी इन्वेंट नहीं हुआ होता। राइट ब्रदर्स अगर घबरा गए होते कि इसे तो गलतियां होंगी, तो सोचिए कभी भी एयरक्राफ्ट इस दुनिया में नहीं आ पाता। कितना अनयूजुअल काम करने के लिए निकले थे राइट ब्रदर्स, आप सोचिए। आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को वो आसमान में उड़ाना चाहते थे परिंदों की तरह। कितना हंसे होंगे लोग उनके ऊपर, कितना मजाक उड़ाया होगा उनका, कितने ताने सुने होंगे उन्होंने, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। लेकिन क्या वो घबराए? नहीं, उन्होंने जैसे कान बंद कर लिए। वो इतने मगन थे अपने काम में, जैसे मोहब्बत हो गई है उन्हें अपने काम से। उन्हें होश ही कहां था कि लोग क्या कह रहे हैं। इन लोगों में से किसी ने भी अगर यह सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो ये सारे इन्वेंशंस नहीं हुए होते। देयरफॉर दाग अच्छे हैं, गलतियां अच्छी हैं। गलतियों को सेलिब्रेट करो, गलतियों से मत घबराओ। मुझे एक स्कल्प्टर की कहानी यहां याद आती है। स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनके फ्रेंड उनके स्टूडियो को, उनके वर्कशॉप को विजिट करने के लिए आए थे। बहुत खुश थे स्कल्प्टर, वो घूम घूम के अपनी सारी मूर्तियां दिखा रहे थे। दिखाते दिखाते एक मूर्ति के पास आकर के वो ठिटक गए, जिसको बना के अभी अभी वो हटे थे। उस मूर्ति की नाक में शायद कुछ काम उनको दिखाई दे गया था कि कुछ और इसको ठीक करना जरूरी है, और वो उसको ठीक करने लगे। उसको ठीक करते करते वो इतने मगन हो गए, इतने तल्लीन हो गए, इतने डूब गए कि उन्हें समय का होश ही नहीं रहा। काम करते 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 शाम हो गई, और वो काम खत्म करके जब पीछे मुड़े तो देखते हैं कि उनका वो मित्र वहां खड़ा है। आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कब आए? ये मोहब्बत है अपने काम से। जब आप इतनी मोहब्बत अपने काम से करने लगते हैं, जब आप इतना डूब जाते हैं अपने काम में, तो फिर होश ही कहां रहता है कि क्या गलती हो रही है, या फिर होश कहां रहता है कि लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट ए स्टैम्प ऑफ सक्सेस ऑन यू, आपको ये इंसाइटफुल कमेंट्स को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। आपको अगर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है, तो आपको इन नेगेटिव कमेंट्स को और लोग क्या कहेंगे उनको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा।
ये कला अगर आपने सीख ली तो याद रखिए कामयाबी फिर आपसे ज्यादा दूर नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। My name is Dr. Kailash. I am an international business psychologist and human potential trainer. And you are watching the Business Dialogues. Please do subscribe and share. Thank you very much. Jai Hind.